हेलो। हाँ हेलो सुमेरेश खान। दोस्तों, आज जो मैं आया हूँ करने के लिए, शायद मैं गलत हूँ या फिर सही भी हो सकता हूँ, इसका डिसीजन दोस्तों आप करना। मेरे पीछे आप एक दरगाह देख रहे हो जो दोस्तों जिस पार्क में मैं अक्सर आता हूँ वीडियो शूट के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे एक दरगाह है। और दोस्तों एक लड़की है जो अक्सर आती है, सुबह से लेकर शाम तक के बैठी रहती है और एक अजीब सा मतलब घबराहट बेचैनी में रहती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है तो क्यों है। इस कारण से मैं सोचा कि आज फिर मुझे दिखी वो, मैं सोचा कि मैं कैमरा लगाकर उसके पास जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो मतलब क्यों, किस लिए कर रही है और क्या है आखिर उसमें अंदर बात। मैं उसके पास जा रहा हूँ और जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ दिखेगा, मैं आपको दिखाने की दोस्तों कोशिश करूँगा कि आखिर बात क्या है। चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ अपने वे में बात करने की और ट्राई करता हूँ। आ जाओ। एक्सक्यूज़ मी। हेलो, ये शायद, हेलो, ये शायद चश्मा आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। है हेलो, ये आपका चश्मा है यहाँ पे। है अरे घबराइए मत, बस थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे आपसे। हेलो, है छेड़ नहीं रहा हूँ यार, जाओ यहाँ से, मत छेड़ो। अरे दिख रहा है आपको, परेशान है आप, फिर भी ये आपके साथ है? हाँ मेरे साथ है ये, मत छेड़ो, जाओ आप यहाँ से। अरे नहीं छेड़ नहीं रहा हूँ बस। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो 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 बैठो। हाँ मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। अब जाओ भैया यहाँ से, लो पानी पियो थोड़ा सा, लो 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 थोड़ा सा पानी पियो भैया, जाओ आप यहाँ से। अरे बस नहीं भैया, आप, आपको दिख रहा है परेशान है फिर भी। नहीं वही तो मैं पूछने आया था कि थोड़ा सा। मैं आ गई। बहन है आपकी? हाँ मेरी सिस्टर है बड़ी। अच्छा बड़ी सिस्टर है। हाँ। अच्छा जाओ आप यहाँ से भैया। हाँ मैं आ गई, आप बस बात कर रहे थे कि से। ठीक है मैं चला जाऊंगा, तो ये घबराई हुई थोड़ा सा लग रही थी इसलिए मैं सोचा कि बात करूं क्या है। शक्ल से ही दिख रहा है उनकी घबराई हुई है, आप जाओ यहाँ से, वो आपको देख के और वो घबराएगी। जान सकते हैं मतलब क्या रीजन है? नहीं भैया सॉरी, पर्सनल इशू है जी।
मतलब वैसे ये थोड़ा सा कुछ बता सकती हो आप, मतलब आखिर क्या है बात? देख चला जाऊंगा यार, थोड़ा सा बता दो मतलब क्या बात है। तो फिर भैया आप जाओ यहाँ से, वो घबराई हुई है वो। देखिए बुरा मत मानिएगा, एक चीज मैं बता दूं, मतलब ये तो पहले से घबरा रही है। भैया आप जाओ। देखिए बुरा मत मानिएगा, मतलब मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था इससे परेशान करने का। मेरा नाम दानिश है, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। भैया आप इसी वीडियो बनवा रहे हो? नहीं वीडियो बनवा नहीं रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मेरा नाम दानिश है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं देखा इसको परेशानी में तो मैं यहाँ पर आया था इससे बात करने के लिए। और मैं मतलब अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ पर आती है, थोड़ा सा मैं पूछ सकता हूँ क्या रीज़न है? अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरा चैनल चेक कर सकती हो, मतलब देख सकती हो। आप देख सकती हो मेरा चैनल, विजिट कर सकती हो। तुक्का नाम है दानिश, तुक्का सर्च कीजिएगा। हाँ जी यही है। देखिए मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, आप देख सकती हो मेरा 10-12 लाख लोग हैं यहाँ पे, उसके बाद कैमरा लगा के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था कि मैं इनको परेशान करूं, इनको छेड़ूं, बस देखा कि ये थोड़ा सा इस हालत में, तो थोड़ा पूछने आ गया कि क्या बात है। इफ़ यू डोंट माइंड मैं बात कर सकता हूं, बता सकती हो आप? जी तो यही चीज़ तो मैं पूछ रहा हूं, इतना घबरा रही है, इतना कांप रही है, समझ नहीं आ रहा। मैं नॉर्मल बस आगे से बात किया था, ये थोड़ा सा बैठ सकता हूँ मैं? थैंक यू सो मच। मतलब जान सकते हैं मतलब क्या बात है? देखिए अगर तो कुछ परेशानी तो बताइए, है मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छे खासे इलाज करते हैं, जो ढंग से इलाज कर देंगे। भैया रहने दीजिए आप, चाहिए। ठीक है मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है बड़ी चीज़। अगर आप बताइएगा तो मुझे समझ में आएगा। और मैं देखिए हर बीमारी का इलाज है, आप चाहो तो मैं, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं दिखा सकता हूँ इनको ले जाकर। भैया बीमारी का कोई इलाज नहीं। मतलब क्यों, आप लोगों ने कोशिश किया? आपको स्टोरी बताऊं बैठो, इसका बॉयफ्रेंड था भैया, 1.5-2 साल हो गए, ठीक है, उसने इसे छोड़ दिया था, तो इसी रीज़न की वजह से ये हालत है। मतलब मैं बॉयफ्रेंड था, मतलब क्यों छोड़ा? ये कोई बात होगी, कोई मैटर होगा, पता नहीं चलता। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, इसकी ये हालत है। तो साल हो गए, 1 साल हो गए, और ये उस 1 साल से कंटिन्यू ऐसे ही है। मैं आपको बार बार मना कर रही थी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और ये जब मतलब रिलेशन में थी तो आपके घर वाले को पता होता था कि है? उसके बाद फिर पता था। जी घर में सबको पता था,
आप लोगों ने कोशिश किया बात करने का इससे, उस लड़के से कोशिश की बात बात करने का कुछ भी? भैया करी थी, बहुत बार ट्राई भी करा था, वो अब मेरा नहीं चाहता जी, रहना नहीं चाहता वो। अच्छा एक के, मैंने जैसे वीडियो अभी ये किया है शूट, अगर आपकी परमिशन हो तो ये मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ? भैया मुझे घर पे पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप घर पे जी, आप घर में पूछ सको, पूछ लो, क्योंकि देखिए मैं ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड किया था, मुझे लगा ये किसी परेशानी में है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है इनके साथ, अगर कुछ ऐसा बात है तो मैं इस ये वीडियो को अपलोड इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ यार लोग, मतलब सच्ची आशिक वाली वो होती है ना, वो चीज़ है। 1.5-2 साल हो गए रिलेशनशिप यार दोस्तों, मतलब देखिए आप ना अपने घर पे एक बार बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर परमिशन आप मुझे दीजिएगा तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। हाँ भैया मैं पूछ के आपको बता दूँगा। यार दोस्तों यार प्यार करो तो निभाओ यार, अगर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो जो इनकी हालत का जिम्मेदार हो ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, शर्म करो अपने आप पे, धूप मरो जाकर, तुम्हारे एक कारण से ना ये लड़की का ये हाल हुआ है।